This movie is encoded by Dr. Star. Franklin! Franklin! मैं कनेलो। Franklin, तुम क्या यहां हो? बताओ स्कैन से तुम्हें क्या पता चला? पॉट 396 का इस्तेमाल हुआ। मैं जानता हूं इस्तेमाल किसने किया था। क्या कोई जिंदा बचा है? देखिए हादसे को एक महीना हो चुका है तो किसी के बचने की उम्मीद तो कम ही है। तुम बस बताओ। यहां पर मुझे बायो सिग्नेचर मिल रहा है, यहां कुछ तो जिंदा है। मुझे लगता है एक मिनट दो है, मुझे दो बायो सिग्नेचर्स मिल रहे हैं। ये अब भी जिंदा है। आखिर तुम इस स्पॉट पर पहुंची कैसे? ये एक खास स्पॉट था सिर्फ जरूरी लोगों के लिए। और कमांडर फ्रैंकलिन कहां है? इसे बड़ा सदमा लगा है और डिहाइड्रेटेड भी है, तकरीबन कोमा में जा चुकी है वो। क्या हम इसे ठीक कर सकते हैं? नतीजों पर भरोसा नहीं कर सकते, थोड़ा समय देते हैं ताकि दवा अपना असर दिखा सके। कितनी देर में कोमा से बाहर आ जाएगी? कहना मुश्किल है, कुछ घंटे भी लग सकते हैं या शायद कभी नहीं। मैं कुछ देर के बाद आकर आपको स्टेटस अपडेट करती हूँ। शुक्रिया डॉक्टर, अब तुम जा सकती हो। जल्दी तैयारी करो। जी बिल्कुल सर।
अगर आप सब जानते हुए भी खतरा उठाना चाहते हैं तो ये बकवास मुझसे ना ही करो तो बेहतर है। अब जल्दी तैयारी करो। नागरिकों के घरों में घुसने की और ये सब हेस्परिडीज के लिए निकलने से एक दिन पहले हो रहा है जो कि चिंता का विषय है। लेफ्टिनेंट, क्या सब ठीक है? जी कैप्टन, हम फिर से ऑनलाइन हैं सर। मिस्टर लैंगडन, हम खुशकिस्मत हैं जो आप यहां आए। शुक्रिया कैप्टन। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे क्रू को ज्यादा काम नहीं करना पड़ रहा इन शानदार नेविगेशन सिस्टम पर नजर रखने के अलावा। मेरी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है कैप्टन, मैं अपने आविष्कार का महत्व अच्छी तरह समझता हूँ। क्या आपकी सिस्टम कमांड मैनेजर एक नॉन सिटीजन है? जी सर, ये है लेफ्टिनेंट मिलर। उम्मीद है आपने उन अफवाहों को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। वो नए सिटीजन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, चाहे वो UGS के एम्प्लॉय ही क्यों ना हो। लेफ्टिनेंट, क्या सब कुछ ठीक है? सर, मैनुअल ओवरराइड की इजाजत चाहती हूँ। इसे ये करने का हक है? जी सर, मुझे मुझसे बात करने की जरूरत कैसे की? मैं कुछ कहना चाहता हूँ सर। जरूर। मेरी शिप पर हम नॉन सिटीजन्स और सिटीजन्स किसी में भी कोई भेदभाव नहीं करते, हम इसे गलत मानते हैं। मैंने लेफ्टिनेंट मिलर को खुद ट्रेन किया है। सर, क्या मैं सिस्टम ओवरराइड कर सकती हूँ? मेरा ये सिस्टम किसी भी इंसान से ज्यादा भरोसेमंद है, फिर वो चाहे कोई भी हो। लेफ्टिनेंट, शिप को ऑटो ड्राइव पर रहने दो। जी कैप्टन। जब शिप का कंट्रोल मेरे पास होगा तब ये कॉकरोच, मेरा मतलब नॉन सिटीजन, सिर्फ टॉयलेट साफ करेंगे। मिस्टर लैंगटन, चलिए मैं आपको बाहर का नजारा दिखाऊं। मेरे ख्याल से हम कैप्टन स्टार के पास हैं, जो कि एक छोटा सा खूबसूरत लाल तारा है। मैं बिल्कुल देखना चाहूंगा। लेफ्टिनेंट, मैं ठीक हूं। तब ये ठीक नहीं लग रही, जाके जांच करवा लो। ऑफिसर जियान, लेफ्टिनेंट की जगह लो, शिप संभालो। जी सर। आ,
मॉर्निंग लेफ्टिनेंट। दो डोज दे सकते फर्क तो नहीं पड़े, इसके बाद हालत में सुधार जरूर है। लेफ्टिनेंट मिलर, क्या बात है, यहाँ आने की क्या वजह है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा उल्टी जैसा लग रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। इनको कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स दिए थे क्या? मैंने दरख्वास्त की थी शिप के बाकी फीमेल क्रू के साथ। मुबारक हो, ये प्रेग्नेंट हैं। बैठ जाइए, हम सब संभाल लेंगे। क्या आप ठीक है? मुझे कमांड ब्रिज पर लौटना होगा। सर, सारे यूजीएस के कर्मचारी अभी असाइनमेंट पर रिपोर्ट करें। चेतावनी, चेतावनी। सर, 17 सेक्शंस तबाह हो चुके हैं। खतरा। चलो शिप को खाली करो। खतरा। ब्रिज को तुरंत खाली करो। न्यूक्लियर कोर चैम्बर को भी काफी नुकसान पहुंचा है। सब निकलो यहां से। मुझे छोड़कर बचाओ। आ जाओ। मायर, इस तरफ। आता हूँ। नहीं, हमें नियमों का पालन करना ही होगा। अरे यार चलो ना, अंदर चार लोगों के लिए जगह होगी। मैं दरवाजा बंद कर रहा हूँ, हमें इसे अंदर आने देना चाहिए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा सर। मेरे रास्ते से हटो डोमर। मैं दरवाजा बंद कर रहा हूँ। रुको। ये काम नहीं करेगा, यहाँ सिर्फ सिटीजंस आ सकते हैं। तुम यहाँ ऊपर तक कैसे पहुँचे? क्यों, मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? अब ये आखिरी पॉट बचा है, मैं लेवल 4 से सर्विस शाफ्ट से ऊपर आया। हमें जल्द से जल्द नीचे जाना होगा। कोई फायदा नहीं है, वहाँ कुछ नहीं बचा। क्या मतलब है इसका? मतलब सब तबाह हो गया। जब मैं ऊपर आ रहा था तो पूरा कॉरिडोर तहस नहस हो गया। ये तुम्हारे लिए नहीं है। तेरी प्रॉब्लम क्या है? नॉन सिटीजंस के लिए दूसरे पॉट्स हैं। वो सारे तबाह हो चुके हैं। तो मैं क्या करूं? जरा मेरी मदद करो। उम्मीद है मैं पछतावा ना। सब तैयार हो जाओ, अंदर का दरवाजा बंद करके इजेक्ट करना है इससे पहले कि शिप का रिएक्टर फट जाए। इसे ऐसे ही छोड़ दो, ये बेहोश हो चुका है, इसे फर्क नहीं पड़ेगा। हे डोमर, तुम जो फर्स्ट क्लास ट्रिप समझ रहे थे ये उससे अलग है ना? कर लेना चाहिए। डिसएंगेज नहीं हो रहा। इसका क्या मतलब? मतलब हम फंसे हुए हैं। मजाक तो नहीं कर रही है, हमें निकालो यहाँ से। रिएक्टर कभी भी फट सकता है। इन पॉड में धमाका सहने की क्षमता है। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? वो हम मरने वाले हैं। प्यार करती हो तो अभी बता दो। ये क्या कर रही हो? उसे वापस लगाओ।
दिमाग पर जोर पड़ा तो हालत गंभीर हो सकती है। ये फैसला करने का अधिकार तुम्हें नहीं है। ये जवाब देने लायक नहीं रही तो हमारा क्या फायदा होगा? मेरा जानना बहुत जरूरी है। हम आपके भाई को ढूंढ निकालेंगे। तुम यहीं इसके साथ रहना, सिर्फ तुम, और इसके होश आते ही मुझे इत्तला करना। समझ गई सर। इसे पता है और जल्द ही मैं भी जान जाऊंगा, भले ही इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। लगी है। इन्हें दिन में सिर्फ एक बार खाना देने के लिए प्रोग्राम किया गया है। मतलब एक्सीडेंट के बाद यही एक चीज काम कर रही है? हाँ, इसकी सर्किटरी को कुछ नहीं हुआ। एक तरह का फेल सेफ है जो इस लाइफ सपोर्ट की ऑक्सिलरी ब्रीदर को भी चला रहा है, इसलिए मेन सिस्टम फेलियर के बावजूद भी हम जिंदा हैं। वाह, तो शायद जिसने ये फूड डिस्पेंसर बनाया उसी को पूरी शिप बनानी चाहिए थी, है ना? चुप करो, बहुत हुआ। तुम यहाँ ले, तुम भी आओ। सर, मैं ईव मिलर हूँ। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ तुमने सेगन में क्या बदलाव किए और ये हमें जिंदा कैसे रखेगा। आपका मतलब कैसे इसने और बाकियों ने प्रोटोकॉल का पालन ना करके हमारी जिंदगी खतरे में डाली? सर, मैं यूजीएस की एक लेफ्टिनेंट हूँ, एक लीड नेविगेशन सिस्टम मैनेजर। एक नॉन सिटीजन लेफ्टिनेंट मेरे किसी काम की नहीं। हम कहाँ हैं? नहीं जानता सर। तुम कुछ जानते भी हो? वो सर, हम बड़ी तेजी से 33 घंटों का सफर तय कर चुके हैं फिर जाकर स्टेबलाइज हो पाए हैं। हम कितनी दूर आए हैं ये बताना तो मुश्किल है क्योंकि पोजिशनर खराब हो चुका है और बाकी के नेविगेशन कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी। और बताओ। मैं शायद एक पैच ओवरराइड तैयार कर पाऊं जिससे मुझे एक फिक्स पोजिशन मिल जाएगी और हम यूजीएस में कारवां रूट पर दोबारा जा पाएंगे। हमें दोबारा थ्रस्ट पैदा करना होगा, हमारे पास और कोई भी। क्या ये सही कह रही है? हाँ, ये सही कह रही है। ज्यादातर सर्किटरी इतनी खराब हो गई है कि उसे ठीक नहीं किया जा सकता। अगर इसकी मदद से थ्रस्ट रिस्टोर किया तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम कमजोर हो जाएगा। मेरे कैलकुलेशंस के हिसाब से हमारे पास करीब 22 दिन बचे हैं। थ्रस्ट का इस्तेमाल करने से उसमें से 5 से 7 दिन कम हो जाएंगे। खतरा बहुत ज्यादा है। मुझे लगा हर पॉड में 60 दिन का ईंधन तो होगा ही, जो 3 शिप्स के संपर्क में आने के लिए मेरे ख्याल से काफी होना चाहिए। हमारे पास 40 दिन होने चाहिए थे, पर इसे काफी नुकसान पहुंचा है। और क्या? और इन पॉड्स को बनाया गया था 4 लोगों के लिए, पर इस वक्त यहाँ 5 लोग हैं। इसी वजह से हमें यूजीएस कारवां रूट तक पहुँचना ही होगा। अगला सेगन मिस कर दिया तो हम यहीं फंसे रह जाएंगे। हाँ, मतलब कुछ तो करना ही होगा। एक मिनट, अब तुम कौन हो और क्यों बोल रहे हो? तुम आखिर करते क्या हो? मवेशियों की देखभाल करता हूँ। मतलब बकरियां पालते हो? नहीं, असल में मुर्गियां। और मैं ही वो शख्स हूँ जिसने आपकी जान बचाई, अब शुक्रिया मत कहना। सर, सच कहूँ तो हम सब इस मुसीबत में एक साथ हैं। मुझे तुम लोगों की राय की जरूरत नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। हम अपनी मौजूदा पोजीशन बनाए रहेंगे और मदद का इंतजार करेंगे। फैसला कर भी लिया? आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो हमें ढूंढने आएंगे? क्योंकि उनके लिए मैं बहुत जरूरी हूं। Thank you.
कैसी हो मेरी जान? तुम्हें नींद तो आई ना अच्छे से? तुम्हें यहां से जाना होगा। क्यों? अभी। मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती थी। हाँ शायद तुम सही हो। आज के बाद तुम कभी नहीं कह पाओगी आई लव यू। क्या हुआ? मैंने देखा वो, तुम मेरे बारे में सोच रही थी। क्या हम दोनों के बीच का रिश्ता कुछ अजीब है? तुम बताओ, क्या तुम्हें यह अजीब लगता है? जहां तक मुझे याद है हमारा रिश्ता अजीब नहीं था। देखो, जो हो गया सो हो गया है ना। हाँ, यादों की यही खासियत होती है, खासकर तुम लड़कियों के लिए। तुम जो चाहो याद रख सकती हो। तुम यही बोलने आए थे ना, बकरी वाले? बकरी वाले हा? बहुत खूब, मुर्गी वाला बोलो। मैं यहां बस कुछ देर लेटने आया था और फिर देखा तुम भी यहीं पर हो। अच्छा, तो शायद अब तुम्हें जाना चाहिए। मुझे यह मैम सेट क्यों नहीं देती? मैं भी यादें देखूंगा। चलो देखते हैं मेरी यादों में क्या है। मेरी यादों में तुम्हारी एक क्लोन है, तुम दो हो। अच्छा, रुक जा। क्यों, क्या हुआ? ओहो, अजीब हो तुम। मैंने तो सोचा हम दोनों थोड़े मजे कर लेते और कुछ वक्त कट जाता इससे पहले कोई हमें बचाने आए। सीरियस हो जाओ थॉमसन, ये मजाक का वक्त नहीं है। मैं यहां नहीं मरने वाली। मैंने बहुत मेहनत की है तब जाकर यहां तक पहुंची। शायद तुम्हें ये बात पता ना हो पर मानो या ना मानो मैं भी मरना नहीं चाहता। हम सब दोबारा हेस्पेरेडिस पहुंचना चाहते हैं और वहां पहुंचकर अपनी जिंदगी खुशी से बिताना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ ऐसा चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों के लिए ऐसा नहीं होने वाला है। हम अपनी बची खुची जिंदगी इसी ट्रांसपोर्ट शिप में गुजारने वाले हैं और बस फर्क इतना है कि मैंने ये बात मान ली है। तो टेंशन मत लो, बची हुई जिंदगी एंजॉय करो, आ जाओ। इन सारी बातों से तो तुम बहुत ही ऊंची सोच वाले लगते हो मुझे। अरे यार, पर जब तक हम इस पॉट का नेविगेशन सिस्टम ठीक नहीं करते, सिटीजन या नॉन सिटीजन, हम सब यही मरेंगे। लो इसे रख लो। क्या यार, मैं भी ना, हमेशा लड़की के सामने गलत चीज बोल देता हूं मैं। एक भी काम ठीक से नहीं कर सकता मैं। गरम खाना तैयार है। Thank you.
जो भी हुआ उसका बैलेंस है आखिर क्या लेना देना। एक पल सब कुछ ठीक था, शांति थी, उसे बैलेंस कहते हैं, और अगले ही पल आधी दुनिया तबाह हो चुकी थी और बाकी बची हुई भी जल्दी ही खत्म होने वाली है। जब येलोस्टोन कॉल्डेरा फटा था तो वो पहली बार नहीं था, मेरे ख्याल से ऐसा पहले 3 बार हो चुका था। ये सुनकर अच्छा लगा, खासकर जब हर चीज लुप्त होने की कगार पर है। माफ कीजिए, पर आप दरअसल कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि जिंदगी बड़ी जिद्दी है, प्रकृति अपने आप को बनाए रखने का तरीका ढूंढ ही लेती है। शायद हमने प्रकृति पर कुछ ज्यादा ही अत्याचार कर दिया सर। चलो, कुछ बातें तो हैं जिन पर हम सहमत हैं, कि यह धरती लड़की की तरह है। ली, यहां आओ, आकर मेरी थोड़ी मदद करो। मैं कोई टेक्नीशियन नहीं हूं, तुम इसकी मदद करोगे। पर सर, जैसा कहता हूं करो। ये नैव मदरबोर्ड का टुकड़ा है ना? हाँ, शॉर्ट रेंज सिग्नल ट्रांसपॉन्डर का एक हिस्सा है। इन्हें सोल्डर कर दोगे प्लीज? अगर पोजिशनर नहीं चला तो ये किसी काम का नहीं होगा। डॉपलर, तुम एक डॉपलर डिवाइस बना रही हो, एक प्राचीन रेडार। ट्वेंटी सेंचुरी की याद आ गई। अगर वहां कोई शिप है तो हम उसे ढूंढ लेंगे। इससे कुछ नहीं बदलेगा। इससे सब कुछ बदल जाएगा। हम नहीं जानते वो पॉड है या कुछ और, हो सकता है कोई एस्टेरॉयड हो उसी फील्ड से जो सेगन से टकराया था। हमें कोशिश तो करनी होगी ना ली, इन्हें बताओ मैं सही हूं। तुम क्या कहते हो ली? हाँ, मुझे लगता है कि ये सही हो सकती है। नहीं, हम अपने रास्ते पर ही रहेंगे। पर कैलकुलेशंस के हिसाब से उस दिशा में जाने से हम लोग कैरवैन रूट तक जरूर पहुंच सकते हैं। हाँ सही कहा, पहली बार मैं इससे सहमत हूं। तुम्हें यकीन है? मुझे नहीं लगता इन हालात में हम किसी भी बात को लेकर पक्का यकीन से कह सकते हैं। मुझे इतना पता है कि मैंने ऑक्सीजन लेवल्स के बारे में आपसे जो कहा था वो गलत है। यह हमारे अनुमान से काफी कम है। अगर हम यहीं रुके रहे और मदद आने का इंतजार करते रहे तो हो सकता है। अगर मदद आई तो? इस चीज तक पहुंचने के लिए हमारी कितनी ऑक्सीजन खर्च होगी? मुझे देखो, उसे नहीं, आधी आधी या शायद कम या शायद ज्यादा। क्या इस बात पर तुम अपनी जिंदगी दांव पर लगा सकती हो? जी हां। और तुम्हें यकीन है तुम इस शिप को बिना नेविगेशन के ढूंढ लोगी? जी। और तुम सब लोग, क्या तुम भी यही चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी इस लड़की के हाथ में हो? मौत का इंतजार करने से तो बेहतर है। तो ठीक है फिर, तुम्हें पावर वापस थ्रस्टर्स में डालनी होगी। अच्छी बात है, वो तुम्हारी बात मानते हैं। बस अच्छा होगा अगर तुम दूसरों की मेहनत को अपना नाम ना दो। वादा नहीं कर सकता।
तैयार है। अच्छा हुआ मैं तुम्हारी शिप पर हूं। ये तुम्हारे लिए है। नहीं, आपका है। तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। मुझे जरूरत नहीं, मैं ठीक हूं। ये मैं पहले भी सुन चुका हूं। मेरे ख्याल से उस बारे में हमें नहीं। ठीक है, बाद में। फिर वो गई कहां? हां, कहां है वो शिप जिसे ढूंढने के लिए तुमने हमारी कीमती ऑक्सीजन इस्तेमाल की? मुझे नहीं पता, यही कहीं होनी चाहिए। हो सकता है वो कोई मॉलिक्यूलर क्लाउड हो जो अब चला गया, सिर्फ हाइड्रोजन गैस। मतलब अब हमारे पास अगले सेकंड का इंतजार करने के लिए भी ऑक्सीजन नहीं बचा है। हम वैसे भी मरने वाले थे, कम से कम हमने कोशिश तो की। I'm sorry, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं, तुमने जिंदगी दांव पर लगाई थी। मुझे इसने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई तो भला हम अपनी जान क्यों गंवाएं? अब चूंकि ये गलत साबित हो चुकी है इसलिए इसे अपनी जान देनी होगी। फ्रैंकलिन, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं सच्चाई की बात कर रहा हूं बकरी वाले। यह सच्चाई कि अगले से गम तक पहुंचने के लिए हमारे पास ऑक्सीजन नहीं बचा। यह सच्चाई कि इस लड़की की वजह से हम मौत के दरवाजे पर खड़े हैं। यह सच्चाई कि इसने अपनी जान दांव पर लगाई थी। अगर ये अपनी जान दे देती है जैसा कि इसने कहा था तो हम जिंदा बच सकते हैं, ले अगर ये नहीं रहेगी तो हमें और कितना वक्त मिल जाएगा? मैं ठीक से और कितना वक्त मिलेगा? शायद और दो दिन। और दो दिन? हमें जितने दिन चाहिए उससे एक ज्यादा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक मैं जिंदा हूं मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इसे मारने से पहले मुझे मारना होगा। अगर तुम भी इसके साथ मरना चाहते हो
तो मुझे नहीं लगता यहाँ किसी को परेशानी होगी। अगर आप मर गए तो किसी को परेशानी नहीं होगी। बस बहुत सुन चुका तुम्हारी बकवास। रुक जा, क्या टकराया हमसे? ये तो अजीब है। शुरू करो। ये प्लान तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है अगर मुझसे पूछे तो। यही एक रास्ता है। मुझे ऐसा लगता तुम्हें है तुम्हें जाना होगा। हाँ मैं जाऊंगी, पर यह काम किसी अकेले का नहीं है। हमें उस शिप से एंटेना लाकर देखना होगा कि उसका ऑक्सीजन हम इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। ली यहीं रुककर कंट्रोल संभालेगा, हो सकता है वहां कुछ गड़बड़ हो। तो वो खुशकिस्मत कौन होगा जो इसके साथ जाएगा? नहीं मैं नहीं जाने वाला। शॉर्टवेव के जरिए हम एक दूसरे से बात कर पाएंगे। तुम्हारे हेलमेट कैमरा की फीड सीधी मेन व्यूइंग स्क्रीन्स पर जाएगी जो सब देख पाएंगे। चलो अगर मरना ही है तो अच्छा दिखते हुए मरूंगा। मैं इसमें अच्छा लग रहा हूँ ना? चलो इसे पहन लो। हाँ ठीक है। वो एमआरआई डाइट लगता है सिर्फ मुझ पर ही काम कर रही है। तुम तो मोटी हो गई हो। तो दोस्तों ये देख रहे हो तुम? हाँ सब कुछ ठीक है। इन टूल्स के जरिए तुम उसे डिटैच और फिर उस एंटेना को अटैच करोगे। समझ गया। वहां पहुंचने के लिए बूट मैग्नेट्स को बंद करना होगा, समझ गए? चिंता मत करो। इन सूट्स में 30 मिनट से भी कम ऑक्सीजन है तो टाइम पास मत करना। आखिरी मौका है, दिल की बात कह दो। मजाक करने का वक्त नहीं है। ठीक है। तैयार? हाँ बिल्कुल। हम और नजदीक नहीं जा सकते? ये 15 मीटर से भी कम है। मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है। सच बताऊं तो बेवकूफी है। आपके बाद मैडम, लेडीज फर्स्ट। देखो मुझे अकेले मत छोड़ना। हमें तुम्हारी जरूरत है। तुम ये कर सकते हो। हाँ मैं आ रहा हूं। हाथ हाथ दो।
मैं तो मरने वाला था, बाल बाल बच गया। यहाँ सब ठीक है। शुक्रिया, मुझे यकीन था तुम पकड़ लोगे। इस तरफ से जाओ, उस एंटीना एरे को ढूंढो। अगर किसी और चीज की जरूरत हो तो ली तुम्हारी मदद करेगा। मैं अंदर जा रही हूँ। हाँ ठीक है। मिला, क्या तुम ठीक हो? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अब दिख रहा है। शायद कोई गड़बड़ी होगी। अब मैं शिप के अंदर जा रही हूं। तुम ये सब देख रहे हो? ये तो ये मेरे ख्याल से इंक्यूबेटर्स हैं। लेकिन एस्केप पॉड में इंक्यूबेटर्स का क्या काम? वहां रुककर ज्यादा वक्त बर्बाद मत करो। अरे नहीं दोस्तों, बताओ कौन सा? दाहिनी ओर से दूसरा वाला, जिसके साथ एक छोटा ग्रे बॉक्स अटैच्ड है। पोजीशन उसके अंदर होगा। ये वाला? हाँ। अब उसे निकालो। ठीक है, मेरा काम हो गया। वो क्या था? क्या था वो? मिलर, क्या तुम यहां पर हो? नेगेटिव, मैं कमांड कंसोल पर हूं। सब ठीक है? शिप में पावर है। अब देखते हैं ऑक्सीजन कितना है। तो इस शिप तुम्हारा सिग्नल सही नहीं है, वहां आखिर हो क्या रहा है? इसमें 25% ऑक्सीजन काफी है। ये क्या? बताओ क्या दिख रहा है? ऑक्सीजन कम हो रहा है। थॉमसन, चेंबर नंबर 4 चेक कर सकते हो? तुम जहां हो वहां से बाई ओर होगा। मुझे नहीं लगता हमें ऑक्सीजन मिल पाएगा। क्या कर रहे हो मिलर? तुम्हारी लापरवाही हमें बहुत महंगी पड़ गई।
मिलर, कहाँ हो तुम? जल्दी करो थॉमसन, मैं फंस गई हूँ, ऑक्सीजन लीक हो रहा है। क्या हुआ? मुझे जल्द से जल्द दूसरे पॉड में जाना होगा, बहुत ऑक्सीजन लीक हो रहा है। शांत हो जाओ, तुम ठीक हो? चलो, घबराओ मत, सिर्फ कुछ बायस है। चलो चलते हैं यहाँ से, आ जाओ यहाँ पकड़ो आराम से। शुक्रिया, तुम बस मुझे धक्का देना फिर मैं संभाल लूंगी। नहीं, मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हें पकड़ कर रखूंगा, ठीक है? ठीक है, तैयार हो? चलो। थॉमसन, तुम क्या कर रहे हो? मैं इसे ठीक करने जा रहा हूं ताकि हम यहां से निकल पाए। बीस मिनट, क्या हुआ वहां? वो इनक्यूबेटर्स, मेरे पैर वायर्स में फंस गए और शायद मैं कांच पर गिरी, बस यही हुआ, मेरी गलती थी। थॉमसन क्या कर रहा है? बस हो ही गया है, 9 मिनट का ऑक्सीजन और बचा है। हाँ मैं जानता हूं, बस काम हो ही गया। थॉमसन? हाँ, देख रो रही है। जल्दी अपने पीछे मुड़कर देखो, यहाँ कुछ भी नहीं है। वहां जरूर कुछ था, कुछ तो था वहां। 2 मिनट थॉमसन, हमें तुम्हें अंदर लाना होगा। हाँ मैं अंदर आने के लिए तैयार हूँ, तुमने तो मुझे बुरी तरह डरा दिया। बताओ तुमने क्या देखा? मैंने उस दूसरे पॉड में से शायद कुछ बाहर आते हुए देखा। बाहर का दरवाजा बंद करो। क्या? नहीं, अभी करो, समझो अभी बाहर है। बिल्कुल नहीं, पीछे हटो। क्या कर रहे हो फ्रैंकलिन? ऐसा क्या हो सकता है बाहर? मैं नहीं जानता, पर प्रोटोकॉल ये कहते हैं कि किसी भी फॉरेन बॉडी को अंदर आने से रोकना होगा। इस बात को तो हम भी समझते हैं फ्रैंकलिन, बताओ बाहर क्या है? हे चलो मजाक बंद करो, बाहर का दरवाजा बंद करो और मुझे अंदर आने दो। नहीं। वो आदमी अंदर नहीं आ सकता। जल्दी, मैं सांस नहीं ले पा रहा। वो मर जाएगा। हाँ, उसने तुम्हारी जान बचाई। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम सबको मार सकता हूं अगर चालाकी दिखाई मिलता। थॉमसन, थॉमसन, मुझे छोड़कर मत जाना, तुम मर नहीं सकते, नहीं। से 12 घंटे तक बेहोश रहेगा, मतलब ये अब थोड़ी देर नहीं उठेगा ना? हाँ, 12 घंटे तक ये परेशान नहीं करेगा। अच्छा। अरे क्या कर रहे हो तुम ये? हाँ छोड़ दो मुझे। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। भाड़ में जाइए,
ये मुझे मारने वाला था। क्या कर रहे हो तुम दोनों? कुछ नहीं, बस इसका दिल बहला रहा था। और चीजें भी हैं जिन पर ध्यान देना होगा। किसी को पता था कि उसके पास ये गन है? ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, वो आर्मी का आदमी है। वो बायो वेपन्स प्रोग्राम का हेड है। मतलब आपको पता था? हाँ, और काफी अरसे से जानता हूँ। वो असल में करता क्या है? मुझे नहीं पता, बायो वेपन्स है, सब गुप्त रखा जाता है। पर ये यहाँ इसे मिली कहाँ से? मुझे कुछ नहीं पता। तो क्या जब सब ठीक हो जाता तो ये क्या हम सबको गोली मार देता है? बकवास मत करो। बकवास? उसने आपको वहां मरने के लिए नहीं छोड़ा था, मुझे छोड़ा था। ऑक्सीजन, वो हम सबको मार देगा, हम सबको। पर वो ऐसा क्यों करेगा? ऑक्सीजन, लोग जितने कम बाकियों के लिए ऑक्सीजन उतना ही ज्यादा बचेगा। अब तो हमारे पास पोजिशनर भी है तो हम में से कुछ किसी काम के नहीं। वो ऐसा नहीं करेगा। अब हम क्या करेंगे? पहले हमें तय करना होगा कि कोई गोली से ना मरे। तो क्या हम तुम्हारी बात सुनेंगे? और ये कब तय हुआ? शायद तुमने देखा ना हो, पर मैं इस शिप को चला मुझे रही इस पर ज्यादा भरोसा है, उस खूनी से वो ज़्यादा। खूनी हो या ना हो, वो सिटीजन है और इस पॉट में रहने का हक सिर्फ हमें है। अरे यार, सही बोल रहा है, एकदम सही बोल रही है। हम तो गए, हम बर्बाद हो चुके हैं, हमारा खेल खत्म। हमने एक संगीन जुर्म किया है, पता है आपको? अभी अभी हम तीनों ने, इसने नहीं। और वो मुझे मार देंगे मुझे। कोई सुनवाई नहीं होगी, सीधा सजा। वैसे भी मैं इस लायक नहीं हूँ कि ये लोग मुझे वापस धरती पर भेजें। देखो, हम अथॉरिटीज को जरूर समझाने की कोशिश। यहाँ जो हुआ मुझे भी वो सही नहीं लगता, लेकिन सलामत पहुंचने के लिए मैं साथ दूंगा। शुक्र है। पर जब वो सवाल पूछेंगे? लगता है काम बन गया, शुक्र है। ये काम कर रहा है। उस ब्लास्ट ने हमें पॉइंट ऑफ ओरिजिन से तकरीबन 20,000 किलोमीटर दूर भेज दिया था, लेकिन फिर उस स्पॉट की तरफ जाकर हमने काफी फासला तय कर लिया। पर अब भी बहुत रास्ता बाकी है। तुमने ऐसा क्या किया? कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, पता चल जाएगा। हमें पता करना है कि क्रू के साथ क्या हुआ। नहीं पता मैं इसे और कितने दिन छुपा सकता हूं। तुम भी इसे हमेशा के लिए राज नहीं रख पाओगी। मैं जानती हूं। उन्हें पता चल ही जाएगा। मैं संभाल लूंगी। पर संभालोगी कैसे? हालात और बिगड़ने वाले हैं, फिर मुझे सबको बताना ही होगा। मैंने ये सब कुछ जानबूझकर तो नहीं किया ना। माफ करना मायर्स, तुमने मेरा इतना ख्याल रखा है और तुम अब तक मेरी बहुत मदद कर चुके हो। उम्मीद है तुम्हें अफसोस नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा आराम कर लो। हमारे साथ होने क्या वाला है मायर्स? मुझे नहीं पता। फिलहाल वक्त को देखते हुए अबॉर्शन के लिए काफी देर हो चुकी होगी, और शायद तुम अपनी डिलीवरी हेस्पेरिडीज पर करो। वो एक सिटीजन होगा। अगर तुम जिंदा बची तो। क्या थॉमसन सही था? वो हमें इस सब के लिए सजा देंगे क्या? फ्रैंकलिन थोड़ा
अजीब आदमी है, पर वो तुम्हारी मेहनत को हमेशा याद रखेगा। तुम उसे कैसे जानते हो? कॉल्डरिया से पहले हम दोनों कॉलेज में बैचमेट्स थे। फ्रैंकलिन को मैं संभाल लूंगा, तुम आराम करो। मैं सच में डर गया था, शायद मुझे भी आराम कर लेना चाहिए। मिलर वहां नीचे हो क्या रहा है? मिलर, मैं नीचे आ रहा हूं। नहीं, मुझे छूना मत। मिलर सुनो, आराम से, आराम से। शांत हो जाओ। क्या तुम ठीक हो? यहां आखिर हुआ क्या? और मायस कहां है? क्या तुम्हारे हाथों पर उसका खून है? मायस, मैं देखता हूं। नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ। नहीं, क्यों नहीं? मुझे वहां जाकर देखना होगा। वो जरूर तुम्हारे साथ आया होगा। जब मैंने तुम्हें अंदर आने दिया तब उस दूसरे पॉड में भी उसी ने मुझ पर हमला किया था। किसने हमला किया? वो क्या है? मुझे नहीं पता, वो एक छोटा सा उसने गर्दन पर हमला किया। मुझे कुछ समझ आए तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वो वहां से चला गया। इस वक्त वो कहां है? मुझे नहीं पता। There was so much blood. मैंने उसे बचाने की कोशिश की पर नहीं बचा पाई। वो गया कहां? मेंटेनेंस शाफ्ट की तरफ। मेंटेनेंस शाफ्ट में? क्या वो यहां ऊपर आ सकता है? क्या वो शाफ्ट कहीं पर खुलता है? सारे मेजर सिस्टम्स में, फूड, नेविगेशन, लाइफ सपोर्ट, उन सभी के मेन वायरिंग डक्ट्स उस शाफ्ट से बाहर आते हैं। इन दीवारों के पीछे। मतलब वो फूड डिस्पेंसर से कभी भी आ सकता है? तुम वाकई बेवकूफ हो। मिलर, वो गन कहाँ है? अब वक्त आ गया उसे इस्तेमाल करने का। गन नीचे है। तैयार हो? हमेशा मैं ही क्यों? सर पर तकिए के नीचे है। उठा लो। हम मायस का क्या करेंगे? इसे यहां ऐसे नहीं छोड़ सकते। चलो ऊपर चलते हैं।
इसे इसी वक्त खोलो, ये मेरा ऑर्डर है। अभी इसी वक्त खोलो लेफ्टिनेंट। शायद इन्हें बाहर निकाल लेना चाहिए। अगर ये भी इस सब में शामिल हुआ तो आखिर हो क्या रहा है? मार्स कहां है? वो मर चुका है। अब तो खुश हो तुम? तुम्हें ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। तुम हालात को पूरी तरह से समझ नहीं रहे हो कि किससे पाला पड़ा है तुम्हारा। सही कह रहे, हम नहीं जानते। हमें पता लगाना होगा आखिर वो चीज है क्या। लाओ मुझे दो। रुको, वहीं रुको। शायद इससे कोई बेहतर फ्रेम मिलेगा। ये आखिर चीज क्या है? वो यहां पर है? ऐसी कोई चीज अंदर आ कैसे सकती है? तुम दोनों ने आखिर उस पॉड में क्या देखा? जैसा मायज ने कहा, इनक्यूबेटर्स, ग्लास ट्यूब्स। ये बिल्कुल वैसे थे जैसे हमारे पास ई डेक पर होते हैं, जिनमें हम चिकन्स को हैच करते हैं। पर ये बहुत बड़े थे, काफी ज्यादा बड़े। तुम इसके बारे में क्या जानते हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा जब तक तुम मुझे यहां से बाहर नहीं निकालते। यहां चीजें काफी बिगड़ चुकी हैं, हम सबकी जान खतरे में है। बताओ क्या जानते हो? सेगिन 98 एक बायोलॉजिकल ट्रांसपोर्ट शिप थी। हाँ, बहुत सी होती हैं। तो ये वाली थोड़ी सी अलग है। ये मुझे तब पता चला जब मैंने फ्रैंकलिन के एक्सेस कोड्स को बाईपास किया। इंसान लो ऑक्सीजन रेशियो को अच्छी तरह हैंडल कर लेता है, पर दूसरी प्रजातियां नहीं। इसीलिए यह प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें अर्थ की प्रजातियों को एलियन डीएनए के साथ मॉडिफाई किया जा रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हाइब्रिड एलियन जानवर। नहीं, पर वो ऐसा नहीं कर सकते हैं ना? क्या वो ऐसा कर सकते हैं? देखकर तो लग रहा है उन्हें कामयाबी मिली है, लेकिन मैं बाकी फाइल्स एक्सेस नहीं कर पा रहा। मेरा जानना जरूरी है। वो सही था, हमें तुम्हें अंदर आने देना ही नहीं चाहिए था। हेलो, मैं कैप्टन अर्नोल्ड रिक्यून बोल रहा हूं, यूजीएस सेगन 99 से। हम हेस्परिडीज जा रहे हैं। अगर आप ये मैसेज देख रहे हैं तो आप यूजीएस सेगन 98 हादसे में बच गए हैं। मुझे अफसोस है कि हमारी शिप आपकी मदद करने नहीं आ सकती। हमने उन पॉड्स को पिकअप कर लिया है जो हमारे नजदीक थे, पर हमें और पॉड्स बचने की उम्मीद नहीं थी। यकीन मानिए, यूजीएस सेगन 100 को आपकी स्थिति का पूरा अंदाजा है और हम पूरी कोशिश करेंगे आपको घर सुरक्षित लाने की। उम्मीद करता हूं कि हमारे आने तक आपके पास जिंदा रहने के लिए
पर्याप्त साधन होंगे। लेकिन ये क्या बात हुई? मतलब हम उन्हें मैसेज नहीं भेज सकते? कोई फायदा नहीं, वो जा चुके हैं। 18 दिन? पूरे थ्रस्ट का इस्तेमाल करके हम दूसरी शिप में 10 दिन में पहुंच सकते हैं। हमारे पास इतना ऑक्सीजन नहीं है। अब ये क्या नई मुसीबत है? नेविगेशन कंसोल में पावर नहीं है और थ्रस्टर्स भी बंद है। सारे कनेक्शन पॉइंट सही सलामत है, मतलब प्रॉब्लम जरूर कोर रिएक्टर में है। अगर हमने मेन सिस्टम तक पावर नहीं पहुंचाई तो हम गए काम से। अरे नहीं, अरे नहीं, अगर कोर से पावर नहीं मिली तो हम सब 24 घंटे में मर जाएंगे। मैं नीचे जाती हूँ। क्या मतलब, कहाँ नीचे जा रही हो? नीचे रिएक्टर कोर तक कनेक्शन देखने। किसी को तो वहां नीचे जाकर देखना ही होगा ना। मैं जानती हूँ उस जानवर को, क्योंकि मैंने उसे देखा है। तुम वहां अकेले नहीं जा रही। साथ आने के लिए शुक्रिया। चलाने के लिए तैयार है ना, जब हम नीचे पहुंच जाए। नहीं थॉमसन, मैं ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ। थॉमसन, मैं ठीक हूं, मैं फिसल गया। संभालो अपने आप को। मैं ठीक हूं। सब ठीक हो जाएगा। जानती हूं, तुम बस मुझे कवर करना। मैं ठीक तुम्हारे पीछे हूं, चिंता मत करो। चली गई है, वो नीचे कोर के पास है, उसे ठीक करेगी। मतलब दोनों वही हैं? हाँ। इस आवाज से मैं तो डर ही गया था। सुनो, क्या मुझे यहां से निकालो। हाँ ठीक है, बिल्कुल, लेकिन पावर आने तक मैं आपको नहीं निकाल सकता। चलो इसे खोलो। हाँ, बहुत खूब, शुक्रिया। रेस्क्यू शिप यहां से जा चुकी है, मिलर ने कहा कि। अरे नहीं,
मिलर जाओ, मैं संभाल लूंगा। अरे नहीं, तुमने तो डरा दिया, मुझे लगा तुम क्या कर रहे थे। तुझे लगा तू उसे जीत सकती है? दूर हटो उसे। तुम नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो। फिर से नहीं। क्या चलो सबसे पहले तुम्हारी ये कपड़े बदल देते हैं, तुम्हें कुछ साफ पहना देती हूं। जाता है। इसका इस्तेमाल स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर और डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर जैसी बीमारियों में किया जाता है। क्या इन वजहों से याददाश्त पे असर पड़ सकता है? बिल्कुल, स्किज़ोफ्रेनिया और डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर से पैरेलल मेमोरी पाथवेज होने की संभावना बढ़ जाती है। ये अच्छी खबर नहीं है। बाइपास को रोक दो। मेरी दवाइयां खत्म हो गई। कैसा लग रहा है? लगता है इतने दिनों में पहली बार मैं सही तरीके से सोच पा रही हूं। तुम्हें खुद को परेशानियों से दूर रखना चाहिए, उससे सिर्फ नुकसान होगा। प्लीज
थोड़ा आराम कर लो। मैं ठीक हूं। पता नहीं इस बात को तुम कब तक राज रख पाओगे। उम्मीद है तुम पछताओगे नहीं। उससे सिर्फ नुकसान होगा। प्लीज थोड़ा आराम कर लो। मैं ठीक हूं। Well, that's the great thing about memory. You can remember what you want. मैंने वही किया जो करना चाहिए था। ये प्रेग्नेंट है। It'll be a citizen. अब तुम्हें कैसा लग रहा है? लगता है जैसे पहली बार इतनी अच्छी तरह सोच पा रही हूँ। हम जो याद रखना चाहते हैं वही रखते हैं। मुझे कर्नेलो को बताना होगा। शायद तुम्हारी डिलीवरी हेस्पेरिडीज पर हो। वो एक सिटीजन होगा। बताओ तुम्हें इससे क्या जानकारी मिली है? ये आपने क्या किया? बिल्कुल वही किया जो आपने कहा था। इसे एक स्टिमुलेंट दिया और आपके लौटने का इंतजार कर रही थी। बताओ तुम्हें क्या पता चला? मैंने सारी यादें छान मारी और देखिए मुझे बस यही मिली। ऑक्सीजन बचेगी तुम दोनों के लिए। तुम एक अच्छे पिता बनते। आखिरी मौका है, कह दो कि तुम बस इतना ही। बस यही मिल पाए।
जोर लगाओ। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चिंता मत करो, घबराओ मत, हिम्मत करो और एक बार अच्छी तरह जोर लगाओ मेरे तीन बोलने पर। तैयार, एक दो तीन। कितनी प्यारी है, This movie is encoded by Dr. Star. Thank you.